हरता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी, ओम सुब्रमण्यम स्वामी। हे प्रभु कार्तिके, आपके भक्ति की शक्ति अनुपम है। इतने प्रहार के बाद भी आपके भक्त आपके भक्ति पर अड़क है। आपकी कृपा से यदि ऐसी अटूट भक्ति मुझ में भी जागृत हो जाती तो मेरा भी भय मिट जाता। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ जयन। धन्यवाद प्रभु। अवश्य उस कार्तिकेय ने तुम्हारी मति मार दी है। तुम्हें अपना सेवक समझ के तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु तुम्हारे दुस्साहस का दंड यह है कि तुम और तुम्हारे सहयोगी कारागार में एक बंदी रहोगे। ओम सुब्रमण्यम स्वामी। देवताओं, यहाँ पे कोई नाटक का मंचन नहीं हो रहा। जो तुम सभी ने अपना कार्य रोक रखा है, तुम्हारी भला इसी में है कि मेरी पूजा करते रहो। आप देव शिल्पी विश्वकर्मा मेरे ससुर जी, मेरी मूर्ति का पूर्ण निर्माण पूर्ण कीजिए। और तुम उस तुच्छ देवराज इंद्र के पुत्र, चलो वो कहो जो सदैव तुम कहते हो। बहुत हुआ बालक कार्तिकेय का गुणगान, अब पुनः मेरा गुणगान करो। आज ऐसा गान गा के मेरी प्रशंसा करो कि भाखन की भक्ति का राग भी फीका हो जाए। जयंत देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की प्रशंसा कर रहा है। हे बालक, बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान। भूल गए कि मैं कितना भयंकर हूं? क्या तुम्हें मेरे बल का भय नहीं है? मेरे समक्ष उसका नाम, क्योंकि प्रभु का नाम भी तुम्हारे बल से अधिक बलवान है। देखा नहीं भाकन को तुमने इतना कष्ट दिया, जो प्रभु का नाम लेते ही कितनी सरलता से दूर हो गया। बस शांत हो जाओ, मेरे सेवक हो जयंत। सेवक हूँ अवश्य हूँ, पर तुम्हारा नहीं, उनका हूँ जो परम ब्रह्म है, और उनके सेवक तो सभी हैं, तुम भी हो। अचानक मेरे सामने इतना कुछ कहने का साहस कहाँ से आ गया तुम्हें? साहस और बल की स्रोत तो भक्ति है, सच्ची भक्ति। और तुम्हें भी सुझाव है मेरा, तुम भी जाग जाओ सूर्य पद्मन, भाखन के शब्दों को समझो, वो तुम्हें जागृत करने आया था। अब और एक शब्द नहीं। सूर्य पद्मन ठहरो, भाखन के समान इस बुद्धि भ्रष्ट बालक पे समय नष्ट करना तुम्हें शोभा नहीं देता। डाल दो इसे कारागार में, जहाँ तुम्हें भगवान न मानने वाले भक्त ऋषि मुनियों को यातनाओं के लिए बंद किया है। उनके समान जब इसे भी यातना मिलेगी, तब आएगी इसे सतबुद्धि,
इन देवताओं को भी बंदी बना लो। माता के आदेश का पालन करो, बंदी बना लो इन्हें। सूरा पद्मन, कैसे मूर्खता कर रहे हो तुम? ये बंधन, ये बेड़िया का खुलना तो तय है, किंतु तुम जिन बेड़ियों के बंधन में बंधे हुए हो उससे कैसे मुक्त होगे तुम? राज्य का बंधन, अहंकार का, दम का बंधन, क्रोध का बंधन, अपने इन बंधनों को पहचानो और लीन हो जाओ प्रभु भक्ति में। उचित कहा था भाखन, जहाँ प्रभु की भक्ति है वहाँ सभी बंधन स्वयं मिट जाते हैं। देखो मुझे, प्रभु की कृपा से मैं तुम्हारे भय के बंधन से बाहर आ गया और अब इन बेड़ियों के बंधन से भी बाहर निकल जाऊंगा, तो तुम भी अपने बंधनों को तोड़कर मुक्त हो जाओ असुर सम्राट सूरा पद्मन। ले जाओ इन्हें, अन्यथा इसका अंत यहाँ पे ही करूँगा मैं। मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे शब्द व्यर्थ नहीं होंगे। कहा था मैंने, परम ब्रह्म प्रभु कार्तिकेय स्वामी का नाम ही पर्याप्त है मेरी रक्षा के लिए, कुछ नहीं होगा मुझे। सुब्रमण्यम कुमार कार्तिकेय स्वामी की जय। सुब्रमण्यम कुमार कार्तिकेय स्वामी की जय। गणेश, तुम्हारी योजना अब सफल हो रही है। बंदी होने पर भी देवताओं की कठिनाई अब कम होती जाएगी। अर्थात भ्राता, जो मैंने किया आप उससे प्रसन्न हैं? पूर्ण रूप से तो नहीं गणेश, किंतु हाँ, प्रसन्न अवश्य। तो फिर आप मुझे यात्रा पर अपने साथ चलने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि गणेश, यदि मैं तुम्हें अपने साथ ले गया ना, तो मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। मैं इसी उलझन में उलझा रहूंगा कि तुम मुझसे क्या गुप्त रख रहे हो। अच्छा भ्राता, मैं आपके साथ यात्रा भले ही ना करूं, किंतु यहाँ पूजा तो आपके साथ कर सकता हूँ ना। मैं आपको यहाँ की पूजा विधि, यहाँ की कथा सुनाकर इस पावन स्थान का महत्व बता सकता हूँ। उचित है, यदि यहाँ की कथा सुनाओगे तो मेरे साथ पूजा भी कर सकते हो। तो मैं आरंभ करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको इन चारों द्वारों के बारे में बताता हूँ। इन्हें गोपुरम कहा जाता है। यहाँ जो भी आता है वो गोपुरम पर प्रणाम करने के पश्चात ही प्रभु श्री अरुणाचलेश्वर के दर्शन करने भीतर जा सकता है। अग्नि ऊर्जा का ये प्रकाश अरुणाचलेश्वर लिंगम को आधार प्रदान करता है भ्राता। लिंगोद्भव घटना अर्थात वर्चस्व के संघर्ष की कथा से तो हम सभी परिचित है ना भ्राता। मैं पुनः स्मरण कराता हूँ, जब सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव और उसके पालनहार प्रभु विष्णु जी का आविर्भाव हुआ तो दोनों में ये विवाद छिड़ गया कि उनमें किसकी शक्तियाँ सर्वोच्च हैं। तब इसी की परीक्षा के लिए प्रभु महादेव प्रकाश पुंज के एक अनंत स्तंभ अर्थात अपने अग्नि लिंगम रूप में प्रकट हुए। एक दिव्य स्वर ने उन दोनों को निर्देश दिया कि वो उस अग्नि लिंगम के अंत को ढूंढे। तब प्रभु विष्णु जी नीचे की दिशा में गए और ब्रह्मदेव ऊपर की दिशा में। दोनों को अग्नि लिंगम का छोर नहीं मिला तो प्रभु विष्णु ने लौटकर अपनी पराजय स्वीकार कर ली और प्रभु महादेव ने उन्हें सृष्टि के अंत तक पूजे जाने का वरदान दिया। किंतु ब्रह्मदेव ने उस समय छल किया, उन्होंने केतकी को अपना साक्षी बनाया और उससे कहलवाया कि वो उसके ऊपरी छोर को देखकर आ रहे हैं। तब प्रभु महादेव उस अग्नि लिंगम से साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि वो किसी भी उत्सव में अथवा पूजा के आयोजन में कभी पूजे जाने का सुख नहीं प्राप्त करेंगे। और दंड स्वरूप प्रभु महादेव ने ब्रह्मदेव का पांचवा शीश भी विलग कर दिया। तब ब्रह्मदेव और प्रभु विष्णु जी को ज्ञात हो गया कि वो दोनों नहीं अपितु अग्नि लिंगम सर्वोच्च हैं, जिससे स्वयं प्रभु महादेव प्रकट हुए थे और वो उसकी पूजा में लीन हो गए।
प्रभु ने अग्निलिंगम की स्थापना के लिए इस स्थान का चुनाव किया, जिसे अरुणाचल गिरी कहा गया। और समय के साथ अग्नि ऊर्जा को सोखने के परिणाम स्वरूप अरुणाचल गिरी स्थान आरंभ में स्वर्णिम हुआ, फिर युगों के परिवर्तन होने पर वो तांबे का हुआ, फिर कांसे का, और कलयुग में वो पत्थर का हो जाएगा। किंतु इन परिवर्तनों से जो परिवर्तित नहीं होगी वो है उसकी दिव्यता, और वो सदा शिवलिंगम के समान पावन माना जाएगा। अग्निभूत लिंगम को अरुणागिरी से ही अपना नाम अरुणाचलेश्वर प्राप्त हुआ, और प्रभु अपने अग्नि मूर्ति रूप में भक्तों को यहाँ दर्शन प्रदान करते हैं। और इस प्रकार ये स्थान एक पंचभूत स्थल बना भ्राता। गणेश, यहाँ तो मुझे पिताश्री प्रभु महादेव की उपस्थिति के साथ साथ माता की उपस्थिति का भी आभास हो रहा है। हाँ भ्राता, क्योंकि जहाँ प्रभु है वहाँ माता भी तो है। यहाँ अपने अन्नामलाई अम्मा या माता अपिता कुचाम्बाल देवी के रूप में माँ का भी वास है। अन्नामलाई अम्मा और माता अपिता कुचाम्बाल देवी? हाँ भ्राता, अन्नामलाई अम्मा जो पृथ्वी पर प्रकाश लौटा कर लाई थी। रुक जाइए, इन्हें कष्ट मत दीजिए। ऐसा घोर पाप करते समय आपके हाथ नहीं कांप उठते? ए बालक, शांत हो जाओ। यह हमारे हाथ नहीं, असुर सम्राट प्रभु सूरापतवन में जो विश्वास नहीं करता उसके हाथ ही नहीं, आत्मा भी कांपती है। यहाँ उनके नाम के सिवाय किसी का भी नाम लेने वाले की जीवा विलक कर दी जाती है। वो देख। प्रभु कार्तिके की जय। प्रभु कार्तिके। अपने जवाब प्रिय है तो उस कार्तिकेय का नाम मत लेना। मेरे जीवा मुझसे छीन कर मुझे प्रभु का नाम लेने से रोक सकते हो, किंतु मेरे नेत्र तो फिर भी प्रभु दर्शन के लिए ललायत रहेंगे। दोषी नेत्रों का उपचार भी आता है हमें। बोलो महाराज, सूरापतवन को भगवान के रूप में देखोगे? नहीं। चलो फिर भुगतो इसका परिणाम। ओम सुब्रमण्यम स्वामी। देखो, हे प्रभु कार्तिके, इन ऋषिवर पर कृपा कीजिए। कार्तिकेय का नाम भी लिया तो घोर दंड भोगना होगा तुम्हें, इसलिए अंतिम बार कह रहा हूँ बालक, कष्ट नहीं चाहते हो तो उसका नाम अपनी जीवा पे मत लाओ। बस एक बार प्रभु सूरापतवन का नाम लो। उसकी जीवा, उसके नेत्र कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, उसके लिए तो केवल प्रभु की भक्ति का ही महत्व है। तुम यदि अंग भंग भी कर दो तो मन में जो प्रभु के प्रति भक्ति है उसे कैसे भंग कर पाओगे? मेरे ही नहीं, हम सभी के, यहाँ तक कि तुम्हारे भी रोम रोम में प्रभु का नाम है। उन्हीं के नाम से हम सभी के शरीर में जीवन का संचार होता है। उनका नाम इस शरीर से कैसा विलग कर सकते हैं? जय प्रभु कार्तिकेय की जय।
काट दिया। कदाचित कष्ट पाए बिना तुम रुकने वाले नहीं बालक, तो उचित है ऐसा कष्ट दूंगा कि कार्तिकेय का ही नहीं अपना नाम भी भूल जाओगे। प्रभु कार्तिकेय की भक्ति में मिलने वाली पीड़ा भी प्रसाद के समान होगी। भक्त के प्रभु उसके सुख भी है और शांति भी। सुख को दुख में, चैन को पीड़ा में परिवर्तित करना मुझे भली भांति आता है। बालक है जयंत, उसे प्रताड़ित करेगा ये दुष्ट, ये कैसा अन्याय है। पुत्र जयंत, पुत्र जयंत। क्या हुआ माता, आप अचानक इतनी व्याकुल क्यों हो गई? मुझे आभास हो रहा है कि पुत्र जयंत अभी भी संकट में है, ऐसे में उसकी रक्षा कौन करेगा? माता चिंतित ना होइए, स्वयं स्वामी कार्तिकेय पिताश्री के साथ भ्राता जयंत को मुक्त कराने गए। किंतु मेरा पुत्र जयंत अभी भी संकट में है और कुमार कार्तिकेय की यात्रा पूर्ण हुई है या नहीं इसका भी हमें आभास नहीं है, और इस अवस्था में कौन बचाएगा मेरे पुत्र को संकट से? कौन? संकट नहीं, महासंकट छाया है तुम पर। जिस प्रभु को तुम मानते हो, जिसका नाम तुम जाप करते हो, वो कार्तिकेय या ना है ना आ सकता है, फिर अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? यत्र तत्र सर्वत्र है मेरे प्रभु कार्तिकेय। संकट काल में संकटों से बचाने वाले प्रभु स्वामी कार्तिकेय है, जो प्रत्येक स्थान पर ना होकर भी सर्वत्र है। बालक कार्तिकेय पर विशेष दृष्टि रखनी होगी मुझे, इसे साधारण समझना मेरी भूल होगी। तो गणेश, हमें अन्ना मलाई अम्मा की महिमा से भी तो परिचित करवाओ। आप इतने उत्सुक हैं, तो मैं आपको माँ की कथा भी सुनाता हूँ भ्राता। इस कथा का आरंभ माँ और पिताश्री के एक सहज क्रीड़ा से होता है। एक दिन वो दोनों उपवन में विचरण कर रहे थे और अत्यंत आनंदित थे, किंतु उनका ये आनंद
शीघ्र ही एक बड़ी घटना में परिवर्तित होने जा रहा था, जिस बात से माता उस समय अनभिज्ञ थी। माँ की उस क्रीड़ा के कारण जो अंधकार उत्पन्न हुआ, उसके लिए माँ ने स्वयं को दोषी मान लिया और ग्लानी से भाग गई। व्यक्ति के भीतर उत्पन्न साहस और बल का मूल स्रोत सच्ची भक्ति ही होती है। हमें शीघ्र अति शीघ्र अग्निलिंगम पूजा संपन्न करनी चाहिए। रुकिए भ्राता, किसी भी अवस्था में अस्त्र उठाए बिना अरुणाचल गिरी की प्रदक्षिणा से ही यहाँ की पूजा पूर्ण होती है। उचित है गणेश, मैं प्रदक्षिणा के लिए तैयार हूँ। तैयार तो मैं भी हूँ तुम्हें रोकने के लिए बालक कार्तिकेय।